नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज जागरूक भारत। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। कर्नाटक में जैन मुनि की हत्या का मामला, सूरत में जैन समाज द्वारा रैली निकाली गई। कर्नाटक में जैन मुनि की हत्या को लेकर देश भर में रोष और आक्रोश दिखाई दे रहा है। हत्या के इस मामले को लेकर सूरत शहर में भी आक्रोश फैला हुआ है। जैन समाज द्वारा रैली निकाली गई और गुनहगारों को कड़ी सजा दिलवाने की मांग की गई। सूरत शहर में गुरुवार सुबह जैन समाज द्वारा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें जैन समाज के अग्रणी सहित हजारों की संख्या में जैन समुदाय के लोग शामिल रहे हैं। शहर के पार्ले पॉइंट स्थित सरगम शॉपिंग सेंटर के पास से विशाल रैली निकाली गई। रैली में शामिल जैन समुदाय के लोगों का कहना था कि दिंगवर मुनि राज 108 नंदी कुमार महाराज की बेरहमी से हत्या की गई, जिसका सभी कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। साधु संतों की हो रही हत्याओं को रोकने के लिए सख्त कानून बनाया जाए, साथ ही कलेक्टर को आवेदन पत्र देकर मुनि की हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा हो, इस प्रकार की मांग की। हूँ नितिन शाह। आज कर्नाटक नी अंदर बेंगलोर जिला में अमारा दिगंबर मुनिराज 108 श्री नंदी कुमार महाराज नी जे करंट आपी अने शरीर ना नाना नाना टुकड़ा करीने जे हत्या करवामां आवी छे एना विरोधनी अंदर आज सूरतना जैन समाज, हिंदू समाज, सनातन समाज दरेक लोग 1 लाख थी पण वधारे लोग आज कलेक्टर से आवेदन पत्र आपवा माटे अहींया कलेक्टर कचेरी पधार्या हता। शुं मांग छे अने कई रीतनो आज विरोध करवामां आव्यो? आज आ अपना आर्य संस्कृति नी अंदर जे साधुओनी निर्मम हत्या थई रही छे एना विरोधनी अंदर अमे सरकारश्री पासे એવી આશા રાખીએ છીએ કે આના માટે કડકમાં કડક કાયદા બને અને જે ગુનેગારો છે એમને સખતમાં સખત સજા મળી અને આનો જલ્દીથી નિકાલ આવે એના માટે અને ભવિષ્યની અંદર આવા કોઈ આવી વસ્તુઓ ના બને એના માટે અમે અહીંયા કલેક્ટરશ્રીને અમારો વિરોધ નોંધાવવા માટે પ્રદર્શન કરવા માટે આવ્યા હતા। ખબરો મેં અબ તક કે લીએ બસ ઇતના હી મિલતે હૈ તરહસે હી બડી ખબર કે સાથ। તબ તક કે લીએ નમસ્કાર ઓર દેખતે રહીએ ન્યૂઝ જાગૃત ભારત।